प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज गोरखपुर को 10,000 करोड़ रुपए की सौगात दी। पीएम मोदी ने आज खाद कारखाना एम्स और बाबा राघव दास मेडिकल कॉलेज के रीजनल मेडिकल रिसर्च का लोकार्पण किया। सीएम योगी ने गोरखपुर एयरपोर्ट पर पीएम मोदी का जोरदार स्वागत किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आज संसदीय दल की बैठक हुई। इस बैठक में पीएम मोदी ने संसद में सांसदों की गैर हाजिरी पर चिंता व्यक्त की। उन्होंने अनुपस्थित रहने वाले सांसदों को फटकार लगाते हुए कहा कि अगर बच्चों को कोई बात बार बार कही जाए तो वो भी ऐसा नहीं करते, कृपया कर परिवर्तन लाइए, वरना परिवर्तन खुद ब खुद हो जाएगा। शीतकालीन सत्र के दौरान कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने किसानों के मुद्दे पर कहा कि किसान आंदोलन में करीब 700 किसानों की मौत हो गई। प्रधानमंत्री किसानों और देश से माफी मांगे। उन्होंने स्वीकार किया कि उनसे गलती हुई है। इसके बाद भी आपकी सरकार कहती है कि उनके पास मृतक किसानों का कोई आंकड़ा नहीं है। 12 सांसदों के निलंबन के मुद्दे पर आज संसद परिसर में गांधी की प्रतिमा के सामने विपक्ष के नेताओं ने प्रदर्शन किया। सांसदों और विपक्ष के नेताओं का कहना है कि गांधीवादी मूल्यों पर चलते हुए भाजपाई तानाशाही को परास्त करेंगे और निलंबन वापस लेना होगा। कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के बढ़ते मामलों के बीच चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ विपिन रावत ने एक दूसरे को मदद करने का आग्रह किया। एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए रावत ने कहा कि देश में कई आपदाएं आ चुकी हैं, जिसमें कुछ प्राकृतिक थी और कुछ मानवीय, लेकिन सभी आपदाओं से बढ़कर वायरस जनित महामारी हम सबके सामने खड़ी है। हम सभी को एकजुट होकर इससे निपटने की जरूरत है। भारत के पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा को इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डेमोक्रेसी एंड इलेक्टोरल असिस्टेंट के सलाहकार बोर्ड में शामिल किया गया है। सलाहकार बोर्ड से उन्हें आमंत्रित किया गया है। लोकतांत्रिक मूल्यों पर काम करने वाली इस संस्था ने कहा कि कोरोना के आड़ में कई लोकतांत्रिक सरकारें गलत ढंग से कार्रवाई कर रही है, इसमें भारत भी शामिल है। जयपुर में होने वाली कांग्रेस की महारैली को लेकर प्रदेश भाजपा कांग्रेस पर लगातार हमलावर है। भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री अलका गुर्जर ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि रैली को लेकर कांग्रेस के प्रभारी मंत्रियों में गुटबाजी नजर आ रही है, जिससे 2023 में सत्ता वापसी के सपने देखने वाली कांग्रेस का भविष्य का पता चल रहा है। जयपुर से भाजपा के निलंबित मेयर सौम्या गुर्जर को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिली है। मामले की अगली सुनवाई अब 1 फरवरी 2022 को होगी। जस्टिस संजय किशन कोल और जस्टिस एम सुंदरेश की खंडपीठ में ये सुनवाई होगी। मामले में अब निलंबन संबंधी आरोपों को लेकर बहस होगी। डीडवाना के डॉक्टर गजानंद चारण को लोक कवि मोहन मंडेला लोक साहित्य सम्मान से सम्मानित किया गया। डॉक्टर चारण राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय सुजानगढ़ में हिंदी विभाग अध्यक्ष पद पर कार्यरत हैं, जिनकी अब तक 15 से अधिक पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं। डॉक्टर चारण अपने विषय के विशेषज्ञ होने के साथ ही श्रेष्ठ साहित्यकार भी है। राजस्थान के सवाई माधोपुर में अभिनेत्री कैटरीना कैफ और अभिनेता विक्की कौशल की शाही शादी होने जा रही है। इसे लेकर चौथ का बरवाड़ा स्थित होटल सिक्स सेंस में शादी की तैयारियां जोरों पर चल रही है। वहीं सुरक्षा को लेकर चौथ का बरवाड़ा थाना अधिकारी टीनू सोगरवाल ने पुलिस जाब्ते के साथ होटल सिक्स सेंस पहुंचकर सुरक्षा व्यवस्थाओं का जायजा लिया।